Hi guys, I'm Rohit Sharma. I'm the national legal head of smartkiller.com, and today the topic for today's this short video is that how do we prepare, how do we appear for the mock tests, and how do we have to appear for the CLAT test main so that our paper is completed on time and we optimize our scores to the best level. ठीक है, ये बहुत सारे बच्चों की क्वेरी होती है कि हमारा पेपर खत्म नहीं होने को आ रहा है, हम सेक्शन में मार्क्स कैसे बढ़ा सकते हैं, एक राइट सेक्शनल स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है. तो मैं इस पर आपको अपने कुछ टिप्स दे सकता हूँ, क्योंकि मैं मॉक टेस्ट सीरीज डिज़ाइन करता हूँ स्मार्ट किड़ा के लिए, जो अराउंड 12 to 15 मॉक टेस्ट अराउंड विद 40 सेक्शनल टेस्ट वी आर लॉन्चिंग, वी हैव लॉन्च ऑलरेडी. सो वी विल आई विल बी डीलिंग विद कि कैसे आप मॉक टेस्ट को दे सकते हैं बेस्ट कंडीशंस के साथ. सबसे पहली बात तो आती है कि जो आप सबसे ज़्यादा प्रिपेयर करके जा रहे हैं इस पेपर के लिए, वो है आपका जीके का पेपर. ठीक है, अगर आपने अच्छे सोर्सेज से अपना जीके किया हुआ है, अगर आप स्मार्ट किड़ा के लॉ सेक्शन में जाते हैं तो वहाँ पर अराउंड 48 क्विजेज हैं, जैसे जो करंट लेवल के जीके क्विजेज हैं, फ्री में अवेलेबल हैं, पैसेज बेस्ड. अगर आप वो करते हैं तो आप देखते हैं कि आप जीके का पैसेज जो है मॉक टेस्ट में भी, वो 10 से 15 मिनट के अंदर आप उसको आसानी से ख़त्म कर सकते हैं. अगर आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है जीके को लेकर, तो आप सबसे पहला सेक्शन जो है वो जीके का कर सकते हैं. उसके बाद जो सेक्शन आप ले सकते हैं, अगर आप बहुत प्रैक्टिस करके गए हैं, तो आप डाटा इंटरप्रिटेशन का सेक्शन को आप ले सकते हैं, क्योंकि मेजॉरिटी बच्चों के साथ ये देखा जाता है कि आखिरी 15 मिनट में उनके हाथ फजी हो जाते हैं, उनके थोड़ा ब्रेन फ्रीज हो जाता है मैथ्स के क्वेश्चन करते वक्त. तो आप शुरू के 15-20 मिनट जो हैं उन 15 to 17 क्वेश्चंस को और दे सकते हैं. तो मैथ्स और जीके में आप कंपेयर कर सकते हैं. जीके अगर आप स्टार्टिंग में करेंगे तो बेस्ट रहेगा, नहीं तो आप मैथ्स को भी कर सकते हैं अगर आपका मैथ्स स्ट्रॉन्ग पॉइंट है. मैथ्स और जीके करने के बाद, उसके बाद आप या तो जीके या मैथ्स ले सकते हैं, जो मेरे हिसाब से एक उचित स्ट्रैटेजी रहेगी. फॉर 35 मिनट्स टू 40 मिनट्स के अंदर अगर आपके ये सेक्शन हो जाते हैं, तो नेक्स्ट 25 to 30 मिनट्स आप इंग्लिश सेक्शन को दे सकते हैं. उस सेक्शन को करने से ये हुआ कि मेजर जो आपका ब्लैंड सेक्शंस कह सकते हैं, जो आप पहले से तैयारी करके आए हैं, जिनके लिए आपको बहुत ज़्यादा क्रिटिकल माइंड लगाने की ज़रूरत नहीं है, उसको आप बहुत इजीली आपने 1 घंटे या 1 घंटे 10 मिनट के अंदर सॉल्व कर दिया. अब बात आती है लीगल सेक्शन की. तो लीगल सेक्शन आपको अब इसलिए करना चाहिए क्योंकि लीगल सेक्शन 20 से 25 मिनट में होने वाला सेक्शन है. अगर आपने रीसेंट लॉज पढ़ रखे हैं, रीसेंट लॉज जो भी न्यूज़ में आए हैं, जैसे अभी मैरिटल लॉ पे, मैरिटल रेप पे सेक्शन चलने वाला है, 370 पे है. ट्रिपल तलाक वैसे थोड़ा पुराना हो गया, बट मान लेते हैं उससे रिलेटेड को क्वेश्चन आ जाता है. या ICJ में जो हमारे मिस्टर जो डिटेनी हुए हैं पाकिस्तान ने, जिनको डिटेनी बना के रखा है, रॉ के स्पाई जो हैं, कुलभूषण यादव, उनका केस है. अगर आपने वो स्टडी किया हुआ है तो आप आसानी से 20 से 25 मिनट के अंदर कॉम्प्लेक्स लीगल टॉपिक्स को पढ़ के, क्योंकि आपने उनकी पहले से प्रायर अंडरस्टैंडिंग ले रखी है, आप उनको दे सकते हैं और आप अच्छे मार्क्स जो हैं वो एग्ज़ाम में उस सेक्शन में ले सकते हैं. इसके बाद लास्ट सेक्शन आता है क्रिटिकल रीजनिंग सेक्शन. तो मैं आपको एक टाइम लिमिट दूंगा, 30 मिनट्स का टाइम लिमिट आई गेस वो एग्जाम के लिए काफ़ी है. अगर आप 30 मिनट्स उस एग्जाम को देते हैं तो उस एग्जाम के उस सेक्शन को देते हैं, तो आप एक अच्छा स्कोर जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं. अराउंड 32 क्वेश्चन आएंगे, तो 15 से 20 क्वेश्चन ईजी लेवल के हो सकते हैं, तो वो आप आराम से 10 से 15 मिनट के अंदर कर लेंगे. और जो लास्ट के क्वेश्चन है, यानी कि 15 से 20 मिनट जिसे कह सकते हैं टफ क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन या 12 क्वेश्चन, वॉट एवर क्लैट आस्क, वो आप बहुत आसानी से उनको 15 से 20 मिनट में पूरा पूरा अटैम्प्ट देके कर सकते हैं. हार्डली अगर आपके 3-4 क्वेश्चन लीव भी हो जाते हैं, तो वो ऐसे क्वेश्चन होंगे जो बहुत डाइसी होंगे या 50-50 होगा कि आपको आते होते या नहीं आते होते. लेकिन जैसे जीके के कुछ क्वेश्चन हैं या मैथ्स के क्वेश्चन हैं जो आप पूरे सॉल्व कर सकते हैं, या इंग्लिश के क्वेश्चन हैं जो बिल्कुल पैसेज से आते हैं, या फिर लीगल रीजनिंग के क्वेश्चन हैं जिसमें पैसेज ऊपर दिया हुआ है और आपको सिर्फ अप्लाई करना है, ऐसे सिंपल क्वेश्चन को आप मिस नहीं करेंगे. तो आई गेस दिस पैटर्न इज वेरी यूजफुल फॉर सॉल्विंग द क्लैट मॉक टेस्ट. इसके अलावा अगर कोई पर्सन अपने हिसाब से मॉक को करना चाहता है और अगर वो टाइम लिमिट में कर ले रहा है, तो देन इट इज़ वेरी गुड. लास्ट में वीडियो खत्म होने से पहले मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन दूंगा कि अराउंड 50 पजल्स के आसपास हमने स्मार्ट किड़ा में करंट फ्री लीगल पैसेजेस जो हैं वो डाल दिए हैं. अपार्ट फ्रॉम 20 करंट फ्री करंट अफेयर पैसेजेस हमने डाल दिए हैं, अपार्ट फ्रॉम 20 लीगल पैसेजेस, एंड अराउंड 100 क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इंग्लिश एंड डाटा इंटरप्रिटेशन ईच इन द क्वांट एंड द इंग्लिश सेक्शन ऑफ द स्मार्ट किड़ा ऐप. ठीक है, तो आप उसको गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो आप सिंपली फ्री में आप उसको गूगल पे आप जाके कर सकते हैं. जिनको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस की जरूरत है, वो 50 मॉक्स के हिसाब से हमारी 50 सेक्शनल एंड 12 फुल लेंथ क्लैट मॉक्स के हिसाब से हमारी सीरीज चली हुई है, उसमें जाके आप एक पहले फ्री मॉक टेस्ट दे सकते हैं. अपने मार्क्स देख कर आप
अगर वो सीरीज लेना चाहें तो आप जरूर उसको एक बार ट्राई कर सकते हैं। वी होप दैट वी विल बी फुलफिलिंग ऑल योर विशेज रिगार्डिंग टू द टेस्ट सीरीज। थैंक यू वेरी मच एंड आई होप टू सी यू अगेन इन द नियर फ्यूचर। थैंक यू।